है, मैं अलीजा का भाई हूँ। जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी और काफी घटिया नीच इन्होंने इल्जाम लगाए थे। चीज़ें मतलब आपके सामने थी कि वो घटिया बातें किए जा रहे थे, मेंटली इल और मेंटली अनफिट की बातें कर रहे थे। तो कोर्ट ने उसी पे जवाब भी मांगा हुआ था, तो फिर हमने उसके जवाब में सारे डॉक्यूमेंट दिए। और अगर हमको खुद डालने होती सब चीज़ें तो हम ये डे वन कर चुके होते हैं। हम जब रिश्ता नहीं है तो हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बाप था बच्चों का तो हम उसका एक आसरा कर रहे थे। शादी में होते हैं तो आप थोड़ा सा ख्याल करते हैं, आप एक मौका देते हैं, एक औलाद हो जाए फिर आप करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसमें फिर जो है वो उनको कुछ धमकियाँ भी आई जिसके से हमने एप्लीकेशन नहीं लिया। जो हमने पिक्चर जमा कराई हैं, जो आंखें तस्वीरें हमारे पास बहुत हैं, बहुत चीज़ें हमारे पास हैं, हम नहीं चाहेंगे कि बाहर हैं। और ये भी हमने नहीं चाहा कि बाहर है, लेकिन क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट का, तो बाहर आ गया। जो पिक्चर्स दिए हैं 4-5 दिए हमने अभी तक इनको, उस पर इन्होंने कोर्ट में कोई बात नहीं की है। ये बोल रहे हैं जी आंखों में जो है वो एलर्जी जाती है। सर आंखों में एलर्जी होती है तो आंख रेड होती है, अगर आप सबके कोई भी आइडिया होगा, आंख सूझती नहीं है। उसके अलावा ये पिक्चर्स के फॉरेंसिक की बात नहीं कर रहे, कि पिक्चर आप फॉरेंसिक करवाएं जाके, अगर आपको किसी बात पे शुभ है आप जो मेलो रिपोर्ट है आप जाएं जेना, आप जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाएं। नहीं है झूठ जो चोर की सजा वो हमारी सजा। और अगर इसके अलावा जो आपकी जो पुलिस का पर्चा है आप चले थाने लेके, अगर वो बोलते हैं कि इन्होंने घर में स्टैंप बना के खुद लगाया हुआ है, आप बताएं हमें। हमने एक ड्राफ्ट जमा करवाया था जो आपको मैंने बता दिया कि धमकियों की वजह से, और हमने कोर्ट में ही बताया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बताया हो, या हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट जोड़ के दे दिया हो। मतलब हम भी शहर में रहते हैं, हम भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमको पता है कि ऑब्वियसली अगर उस चीज़ पे एक स्टैंप नहीं है तो वो जाहिर सी बात है। लेकिन जो कोर्ट में चीज़ें चल रही थी, जज साहब भी चीज़ें पूछ रहे थे किस तरह का रिलेशन था क्या था, तो हमने अटैच करके दे दिया था। और हमने इसी बारह हमने बताया, जज साहब को बताया कि हमने ये हमने वापस ले लिया था, लेकिन हमने ड्राफ्ट लिखा था और थाने में बैठ के ही लिखा था। तो उस दिन भी सुल्तान जो है वापस बैठा था कोर्ट में, तो वापस चला गया माँ के पास। जाहिर सी बात है वो बच्चे हैं छोटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर ये बोलते हैं कि फॉरेंसिक करवाएं हम उसके लिए तैयार हैं, अगर ये बोलते हैं जी जिना में जाके वेरिफिकेशन करवाएं हम उसके लिए तैयार हैं, और अगर ये बोलते हैं कि ये जो पुलिस का पर्चा एक बनाया हुआ है, पुलिस का पर्चा जो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा है वो है ही नहीं जिसके बात करें, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जहाँ से भी तस्वीरें निकली उन्होंने वो तस्वीर भी उसकी कि वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भी नहीं, और उससे हम कोई उस पर रिलाई नहीं कर रहे कि जी हमने ड्राफ्ट लिखा था, हम ड्राफ्ट की बुनियाद पर जो है ये जो है हम कह रहे हैं कि इनके मारता था। नहीं जी ड्राफ्ट ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और ना आप उसको इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, ना कोर्ट ने इतना वो किया। वो आज कोर्ट में जो है वो मिसलीड कर रहे थे कि ये और वो जो असल जो पॉइंट था जो वो था उस पर वो आ नहीं रहे थे।